आगरा में हुए राजू गुप्ता हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजू गुप्ता को चोरी के आरोप में पकड़कर थर्ड डिग्री देने से उसकी मौत हो गई थी। मामले में फरार अंशुल प्रताप और दरोगा अतुल सिरोही पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा था। अंशुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं शुक्रवार को पुलिस ने फरार दरोगा की गिरफ्तारी कर ली है। आज अनुज सिरोही को पुलिस पकड़ के लाई थी, लेकिन समय से पहले ही पेशी से उसको पेश किया गया, उसको सरेंडर किया और उसको जेल भेज दिया गया, क्योंकि पुलिस ये चाहती है किसी तरीके से ये भी मामला साधारण पब्लिक ना देख पाए और ना सुन पाए, क्योंकि पुलिस इसमें खुद गिरी हुई है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आज जिस तरह से पेशी हुई, जिस तरह से अचानक लेके चले गए, कि पुलिस की कार्यप्रणाली पे आप कैसा जो है मतलब संतोष है आपको? मुझे कोई संतोष नहीं है, मुझे तो पूरा शक है, क्योंकि वो चाहते ही हैं अपने प्रशासन को, अपने ही डिपार्टमेंट को बचाना ही चाहते हैं हम लोग। क्या ऐसा कोई खास कारण आपको नजर आ रहा है कि आज सीएम ड्यूटी थी उसके दौरान उसे जेल भेजा जा रहा है? मुझे नहीं लगता है सीएम की ड्यूटी वहां रही होगी, बट न्यायालय का तो हमारा दैनिक जो दिनचर्या है प्रोसेस नॉर्मल चलता है। सीएम के भ्रमण का कोई दबाव था क्या पुलिस के ऊपर? दबाव रहा सीएम के भ्रमण का। आप लोगों ने भी कोई बात दाखिल किया है कुछ? मैंने 164 के बयान जो पुलिस को लेने चाहिए, जो पुलिस की ड्यूटी बनती है। आज कितने दिन हो चुके हैं? 1.5 महीना होने पे आ गया। अभी तक जो 164 के बयान इमीडिएटली जब भी हो जाते हैं साथ ही साथ, वो अभी तक नहीं लिए, तो उसके कारण मेरे को एक एफिडेविट जो वादिया ने दिया है वो मेरे को कोर्ट को देना पड़ा है कि मेरे 164 के बयान दर्ज हो जाए उसमें इन्वेस्टिगेशन में।